राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के सरकार में हुए कथित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन किया। अब इस अनशन के खत्म होने के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है, लेकिन अब इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सीएम ने साफ कर दिया है कि कौन क्या करता है, क्या कहता है, हमें फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा। हमारा जो मेन लक्ष्य है वो महंगाई से राहत का है, मिशन 2030 का है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अनशन के बाद राजस्थान की सियासत गरमा चुकी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार को लेकर सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब इस अनशन के बाद जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सचिन पायलट को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग इधर उधर भटकता ही नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान सुनिए। हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत, हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे महंगाई राहत, उसके अलावा हमारा कोई ध्यान जाते नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं, ध्यान ना जाएगा। हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत, हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे महंगाई राहत, उसके अलावा हमारा कोई ध्यान जाते नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं, ध्यान ना जाएगा। अब मुख्यमंत्री के इस बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की क्या प्रतिक्रिया आएगी वो भी देखना दिलचस्प होगा। गौरतलब है कि सचिन पायलट ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि कई शिकायतों के बाद भी अशोक गहलोत ने इस भ्रष्टाचार मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। अब इसी के खिलाफ अनशन करते हुए सचिन पायलट 12 अप्रैल को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की। अब सचिन पायलट के अनशन के बाद से फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पायलट कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं। वहीं दूसरा सवाल ये कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ते हैं तो क्या किसी और पार्टी में शामिल होंगे या फिर कुछ और बड़ा करेंगे। अब सचिन पायलट के अनशन को लेकर कांग्रेस आला कमान पर भी दबाव ही देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव का दबाव कई बार पहले भी बनाया जा चुका है, लेकिन आला कमान के द्वारा हर बार अशोक गहलोत को ही चुना गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।